इसराइल हमास युद्ध के बीच ईरान तेल अवीव पर हमले की तैयारियों में लगा हुआ है और इस हमले की भनक इसराइल और अमेरिका को लग चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप कैरियर और गाइडेड मिसाइल सबमरीन को भेज दिया है। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम ईरान में ईरानी सेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और ये युद्धाभ्यास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने किया है। दरअसल इस्माइल हानिये की हत्या के बाद से इसराइल और ईरान के बीच सीधे युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये युद्धाभ्यास चल रहा है और ये युद्धाभ्यास पश्चिमी ईरान के करमानशाह प्रांत में हुआ है और इस युद्धाभ्यास की वजह से इस इलाके में धमाकों की जोरदार आवाजें सुनी गई हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग खौफ में हैं। और यही वजह है कि मुराद बाबा खानी, जो कि कसर शरीम के डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच IRGC के सैन्याभ्यास करने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि युद्धाभ्यास से स्थानीय लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब सैन्य अभ्यास को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल एविएशन फील्ड की नॉटम अथॉरिटी ने पायलटों को एक चेतावनी जारी की है, जिसमें उसने कहा है कि 11 से 14 अगस्त तक पायलट ईरान के हमदान के नोजे एयरबेस के आसपास उड़ान भरने से बचे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि नॉटम की ये सलाह 11 अगस्त 2024 को ईरान में हुई मिलिट्री ड्रिल से जुड़ी है या फिर नहीं, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक खबर में दावा किया है कि 9 अगस्त 2024 को दर्जनों रूसी जवानों को ईरान में फतेह 360 क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। और लेकिन रूसी सैनिकों को ये ट्रेनिंग इसराइल के साथ युद्ध के लिए या फिर यूक्रेन के खिलाफ इस मिसाइल सिस्टम को चलाने की खातिर दी गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने रूस को अपने यहाँ पर ट्रेनिंग की अनुमति दी हो। इससे पहले 2016 में ईरान ने रूस को अपने यहाँ से सीरिया में हवाई अभियानों को चलाने की अनुमति दी थी और उस वक्त भी रूसी सेना ने हमदान एयरबेस का इस्तेमाल किया था। और अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि रूसी सैनिक नोजेह एयरबेस को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक खबर में खुलासा किया था कि ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस ने उसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और रडार उपकरणों की डिलीवरी शुरू कर दी है और हथियारों की यह सप्लाई इसराइल के साथ संभावित युद्ध के हालातों को देखते हुए की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना ने युद्ध अभ्यास एक बेहद ही नाजुक समय में किया है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति मसूद फेजिशकन ने हाल ही में सुप्रीम लीडर अयोतल्ला खामनेई से मुलाकात की और उन्होंने अयोतल्ला से इजराइल पर किसी भी तरह से सीधे हमले से बचने की गुहार लगाई थी। पेजिशकियान ने कथित रूप से खामनेई से कहा कि इसराइल पर इस तरह का कोई भी हमला उसे जवाबी कार्रवाई के लिए उकसा सकता है और इसराइल ईरान के अहम और महत्वपूर्ण ढांचों और ऊर्जा संसाधनों को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान और इसराइल सीधे युद्ध के मैदान में आ जाएंगे। पेजिशकियान का कहना है कि ईरानी अर्थव्यवस्था इन दिनों काफी कमजोर है और अगर ऐसे समय में इसराइल और ईरान का युद्ध हुआ तो सुप्रीम लीडर का शासन धराशाही हो सकता है। हालांकि ईरान को रोकने के लिए उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी डाला गया था। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान इसराइल पर हमले के अपने फैसले पर दोबारा सोच सकता है। हालांकि ईरानी सेना तेल अवीव में मिसाइल हमले की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि राष्ट्रपति पेजिशकियान इससे बचने के लिए कई विकल्प रखे हैं। उनका कहना है कि ईरानी सेना अजरबैजान या इराक कुर्दिस्तान में इसराइल से जुड़े सैन्य अड्डों पर हमला कर सकती है और इन देशों में हमले से पहले वहां की सरकार को इनकी सूचना भी दी जाए।